नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि कार्यक्रम में फरी एक बार आपनु स्वागत है। अतिथि कार्यक्रम में एवं विशिष्ट व्यक्तित्व ने अपनी साथ मिलाविए छे के जेने मळवानी आपने पण इच्छा छे, अमने पण, अने तेमनी साथे वातो करीए छे। अंतरंग आज अतिथि कार्यक्रम में विशिष्ट मेहमान कार्यक्रम में हाजर छे, अने तेमनी साथे वात करीशु। अंतरंग दर्शक मित्रों, जाणीता अभिनेत्री नीना गुप्ता आज अमारा स्टूडियो में हाजर छे, अने अतिथि में तेमनी साथे वात करीशु। नीना जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ड्रामा का ये एक जीव बोल सकते हैं कि ड्रामा की आत्मा, कहीं ना कहीं ड्रामा थोड़ा कम भी हुआ है थोड़े थोड़े अरसे पे। नीना जी दिख जाती है स्टेज पे, घुटन महसूस कर रही है नीना जी थिएटर में? या नहीं, थिएटर में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से, इतने सारे शोज जो ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि सीरियल में जो मतलब 30 मिनट में करीबन 18 मिनट का कंटेंट रहता है, बाकी एडवर्टाइज खा जाता है टाइम, और वहां पे भी वही घिसा पीटा डायलॉग, एक ही थीम को 4-5 दिन तक चलाना। कहीं रियल जो आर्टिस्ट है नीना गुप्ता, अंदर से नीना गुप्ता जो आर्टिस्ट बैठी है वो कहीं से घुटन महसूस कर रही है? हाँ, इसलिए तो आप मुझे ज्यादा देखते नहीं टीवी पे, क्योंकि टीवी इस समय सिर्फ एक पैसे कमाने का माध्यम है और थोड़ा बहुत फेम, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई सेटिस्फेक्शन, क्रिएटिविटी और वो सब उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। सात फेरे पे मैं सीधा आ जाऊं, जिस तरह से सात फेरे आपने साइन की होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, क्या देखा था? कंटेंट देखा था कि सिर्फ आपने जो बताया कि इसमें फेम है, पैसा है, इसीलिए किया था? सात फेरे मेरे एक फ्रेंड हैं जो लिख रहे हैं और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके साथ भी मैंने सालों पहले काम किया था, और सात फेरे की कहानी बहुत अच्छी थी और इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे, तो वो कैरेक्टर देख के किया। सुनीना गुप्ता चूजी है रोल के मामले में अभी भी? हमेशा से, हमेशा अभी भी कंटिन्यू बरकरार है? हाँ, वो तो रहेगा। ओके, अब क्या क्या प्रिफर करते हैं कि जब भी आप कोई भी साइन करते हो, खास करके मैं नीना गुप्ता को सवाल पूछ के, नीना गुप्ता जी जैसे जो भी ऐसे आर्टिस्ट है जो सही में प्यार करते आर्ट को, टैलेंट को प्यार करते, क्या खास बात होती है जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, कोई भी फिल्म साइन करते हो, सीरियल साइन करते हो, क्या क्या देखते, क्या है अंदर आप? रोल, बेसिकली रोल। कोई पर्टिकुलर नाम हो या कोई बैनर हो उसको ज्यादा मायना देते हैं या ना? रोल, अपना रोल क्या है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको एक्साइटमेंट हो। अगर आप जब सुबह उठते हैं और आपको शूटिंग में जाना हो तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अरे यार फिर से जाना है। तो उस हिसाब से मैं सोचती हूँ, हमेशा मुझे एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, कुछ करना है उसके लिए तैयारी करनी है, ऐसी कुछ भावना रहनी चाहिए तो मजा आता है, वरना मैं नहीं करती हूँ। ब्लड लेना बोल देते हो? उस वजह से शायद नीना गुप्ता अपना नियर्स एंड डियर्स का एक ग्रुप, जो खास करके इस ग्लैमर फिल्म में बहुत बड़ा ग्रुप रखने की एक फैशन चली है, एक दौड़ चली है, शायद नीना जी उसमें पीछे है। हाँ, मैं वो सब, मेरा अपना एक खास अलग, मेरी एक फैमिली है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फिल्मी दुनिया वाले नहीं है, मेरी वही दुनिया है। कोई अच्छा काम आता है तो मैं कर लेती हूँ, और नहीं आता तो कोई बात नहीं। अच्छा काम आता है तो आप कर लेते, लेकिन अगर अच्छा नहीं मिलता, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कोई भी ऑफर में, तो भूल के भी नीना जी उसे साइन नहीं करती? हाँ, जनरली नहीं करती, एक आध बार गलती कर ली मैंने। मैं उसी पे आने वाला था। हाँ, एक आध बार गलती नहीं, कभी 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 कुछ जरूरतें होती हैं आपकी, पैसे की जरूरत होती है और काम करने की जरूरत होती है, तो फ्रस्ट्रेशन आती है तो कर लेते हैं, पर ऐसी गलती तो हर इंसान करता है। फ्रस्ट्रेशन की बात करूं, ये फील्ड में खास करके एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद, जब या तो उसको इम्पोर्टेंस इतना नहीं दिया जाता, या तो जब वो अपने आप को एक दायरे में बांध लेते, जैसे आपने बताया कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, कहीं जाके थीम प्रॉपर हो तभी मैं साइन करूंगी, ऐसे वक्त जब ऐसी स्क्रिप्ट मिलती नहीं है, उसका मतलब ये हो गया कि काम भी नहीं होता है, उस वक्त फ्रस्ट्रेशन किस हद तक आता है? और ऐसे फ्रस्ट्रेशन को, खास इसलिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले कलाकार है, उनको कुछ मैसेज मिले, कैसे फ्रस्ट्रेशन दूर किया जा सकता है? फ्रस्ट्रेशन तो सबको आता है, ये लाइन ऐसी है कि आप अगर टॉप में भी हैं तभी भी आप सडनली नीचे गिर सकते हैं, या हो सकता है आपके पास 5 साल काम ना हो। लेकिन उस समय मुझे अपनी माँ की याद आती जो अभी यहाँ नहीं है, जिन्होंने कहा था कि पढ़ाई करो, उस समय आपकी पढ़ाई काम आती है, उस समय आपके दूसरे शौक काम आते हैं, जैसे मुझे पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है,
You are doing social activities also. हाँ? Social activities में भी आप involved रहती है, कहीं कहीं अच्छी जगह जहाँ पे भी ऐसे seminars होते हैं. हाँ, उसमें भी involved रहती हूँ. कभी कभी फिर theater भी कर लेती हूँ. अभी बीच में नहीं था तो मैंने theater किया, मैंने अपना एक group बनाया, play किया, उसके काफी shows किए. तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं. अगर आप कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ है करने को. तो मैं खाली नहीं बैठी रहती हूँ. एक तो मेरा घर परिवार है जिसमें मेरा काफी टाइम चला जाता है. दूसरा मुझे शौक है, म्यूजिक का शौक है, डांस का शौक है. तो मैं तो बीच में गाना भी सीखना शुरू कर दिया था. तो ऐसा नहीं है कि कुछ आदमी नहीं कर सकता. उनको प्रॉब्लम होती है जो सिर्फ एक्टिंग जानते हैं, उसके अलावा ना कोई शौक रखते हैं और ना कुछ कर सकते हैं. मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैंने तो एमफिल किया है, मैं तो कल को पढ़ा भी सकती हूँ. सो ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे. सिर्फ यही एक मतलब ये नहीं है कि जिससे ही हमारा गुजारा निकल पाएगा. हाँ, अगर कल को मेरे को पैसे की भी जरूरत है और मेरे पास एक्टिंग का या डायरेक्शन का या फिल्म लाइन में काम नहीं है. ऐसा हुआ मेरे साथ कई बार. जब मैं शुरू शुरू में आई थी, एक बार तो 1.5 साल मेरे पास काम नहीं था और तब मैं घर से पैसे नहीं लेती थी. तो मेरे पास पैसे नहीं थे. मैंने एक एड में एक गृहिणी का एक क्लोजअप में 1,000 मिल गया कर लिया. पृथ्वी कैफे में, हम मेरे एक दोस्त का कैफे था जुहू में, वहाँ पर मैं शाम का एक डिश बनाती थी, मुझे 5 रुपए का डिनर मिल जाता था या फ्री मिला. तो काम, कोई काम करने में शर्म मुझे नहीं है. मेरी माँ ने यही सिखाया है मुझे. कोई भी, मैं झाड़ू भी लगा सकती हूँ. सो मुझे कोई काम करने में शर्म नहीं है और काम किया हुआ है. ऐसा नहीं कि ऐसे पले बढ़े हैं कि कभी कुछ दूसरा काम नहीं किया. इसलिए मुझे कोई वैसी चिंता नहीं है कि मैं रोटी खाने की चिंता नहीं है. सिर्फ क्रिएटिव और क्रिएटिविटी की जहाँ तक सवाल है, आपको लगता है कि अरे आप क्या यही करने के लिए पैदा हुआ, यही आपका जीवन रह गया. तो मेरे पास बहुत और सी चीजें हैं जिसमें मेरा मन लगा रहता है, जो मुझे अच्छा लगता है करना. बैक डेज में मैं जाना चाहता हूँ. आपने बार बार जिक्र किया आपकी माता जी का, कि माता जी से बहुत सारा सीखा है आपने. आपने कहा कि बहुत सारी सीख जो उन्होंने दी थी वो आज तक बरकरार है, आप उनको फॉलो भी करती है. बैक डेज में नीना गुप्ता जब छोटी थी, क्या बचपन से ही उसको एक्टिंग का शौक था या ऐसी ही मस्तीखोर, या इतनी जीत धीर गंभीर दिखती है अभी, ऐसी नीना गुप्ता थी कि धीरे 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 बदलाव आता गया? नहीं, मैं तो बहुत अलग थी. मैं बहुत शाय थी, अभी भी हूँ मैं. अभी भी मुझे काम इसलिए भी कम है क्योंकि मैं काम मांगने नहीं जा सकती हूँ. मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग करूँगी, कर सकती हूँ अच्छा स्कूल में, लेकिन मुझे रोल नहीं मिलता था क्योंकि मैं जाके बोल नहीं सकती थी कि मेरे को आता है. तो इसलिए मैं शाय रहती थी, मिलता नहीं था. घर आके शीशे के सामने वही चीज़ जो थी करके देखती थी और कहती थी मुझे तो बड़ा अच्छा आता है. तो मैं बहुत शाय थी और मैं बहुत ही अलग थी. बहुत अलग थी और हम लोग बहुत ऐसे माहौल में पढ़े. मेरी माँ बड़ी स्ट्रिक्ट थी. बीए में, कॉलेज में भी मैं अपनी लड़कियों के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने नहीं जा सकती. 9 बजे हम लोग कहाँ से, कहाँ से आपने बीए किया? दिल्ली में, जानकी देवी से. ओके. और 9 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती थी हमारे घर में. कोई मुझे मालूम नहीं था क्लब किसे कहते हैं. ओके. हाँ, तो हमारा बिल्कुल अलग जीवन था. देन क्या पहला टर्न क्या आया? मैं जब इतनी शाही नीना गुप्ता, ऐसा एक फैमिली जो कि ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करते थे, कैसे टर्न आया और कैसे एंट्री हुई नीना गुप्ता की इस ग्लैमरस फील्ड में, उसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. दर्शक मित्रों, समय थयो छे विरामनो. नीना गुप्ता साथे अंतरंग बातों का रिश्वे, एक नानकड़ा विराम बाद. सर्जक साथे सीधो संवाद तो सर जाए स्पंदन. स्पंदन सर्जक अने साहित्य ने उजागर करतो खास कार्यक्रम. Thank you.
દર્શક મિત્રો વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. વાત કર્યા છે આપણે જાણીતા અભિનેત્રી નીના ગુપ્તા સાથે. નીનાજી, બ્રેક સે પહેલે અમને વાત કિયા, આપને ભી બતાયા કે એસી શાહી નીના ગુપ્તા, ખાસ કરકે એસા ટ્રેડિશનલ ફેમિલી જો ટ્રેડિશનલ રૂલ્સ કો ફોલો કરતે થે, રાત કો 9 બજે ઘર કી લાઇટે બંધ હો જાતી થી, ક્લબ ક્યા હૈ વો કોલેજ તક કભી નામ ના સુના થા ના કભી દેખા થા, યહાં તક કી ગર્લફ્રેન્ડ્સ કે સાથ, આપકી ગર્લફ્રેન્ડ કે સાથ ભી કભી આપને ફિલ્મ નહીં દેખી, મૂવી દેખના નહીં ગયે થે. क्या हुआ ऐसा कि नीना गुप्ता इस ग्लैमरस फिल्म में एंट्री हुई? कौन वो जवेरी था जिसने इस हीरा को परखा था? मैंने स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, थिएटर करती थी दिल्ली में, स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, वहां से एकदम जीवन बदल गया. हॉस्टल में रहने लगी, चाहे दिल्ली में घर था, हॉस्टल में रहने लगी, लोगों से इंटरेक्ट करने लगी. टीवी जब मैंने शुरू किया तो हमारे स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर चले गए थे, कोई डायरेक्टर नहीं था, तो मैं टीवी में छोटे छोटे गांव का कार्यक्रम या वो उस टाइप जो दूरदर्शन में आते रहते, ओके ओके, मैसेज वाले जो फिल्म थी, डॉक्यूमेंट, ऐसे छोटी छोटी चीजें करती रहती थी बाहर जाके, क्योंकि काम नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर नहीं था कोई, उस वक्त चेंज हुआ था. आई थिंक वहां से बदलाव आया. और फिर जब मैं पास आउट किया 80 में, तो एक अशोक आहूजा फिल्म मेकर थे, उन्होंने पहली फिल्म अपनी बनाई जिसमें मुझे रोल ऑफर किया. कौन सी फिल्म थी वो? आधारशिला. ओके. और उसमें नसीर था और बहुत सारे थिएटर के हम लोग थे, और अनीता कंवर और नसीर मेन रोल थे. इट वाज अ फिल्म अबाउट द फिल्म. ओके. ही नसीर इज अ फिल्म मेकर हु मेक्स अ फिल्म एंड गिव्स अस अ स्मॉल रोल. ओके. वो मैंने किया तो मुझे बड़े पर्दे का नशा आ गया, खून लग गया मुंह पे. और तब मैं पीएचडी करना चाह रही थी, मैं पीएचडी में वो किया भी मैंने कुछ देर उसके बाद, लेकिन फिर मुझे इसका शौक हो गया. और मुझे लगा, पहले मैं सोचती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा मैं कहाँ पिक्चर में काम कर सकती हूँ, मैं कहाँ टीवी में काम कर सकती हूँ. लेकिन अपने आप को प्रूव किया तब, सर्टिफाइड अपने आप को किया कि यस आई कैन डू इट. आई थॉट आई एम ओनली गुड फॉर ब्रेन जॉब्स, दिस इज व्हाट रबिश. एंड माय मदर, मेरी माँ ये काम बहुत, इस काम को बहुत अच्छा नहीं मानती. हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा, अगर आपने बताया फैमिली बैकग्राउंड, तो क्या मम्मी ने परमिशन दिया था या कन्विंस करना पड़ा था, पटाना पड़ा था कुछ करके, या तो किसी को इन्फ्लुएंस किया था, चाचा को उसको बोला कि जरा समझाइए? मैंने जिद की कि मैं जाऊंगी. ओके. मतलब जिद्दी थे आप? हाँ, पहले से जिद्दी थी, मैं जिद्दी बन गई क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा. गोल एक बनाया था, एक गोल बन गया ये. उसके बाद पर वो गोल, फिर मैं आई बॉम्बे, गांधी फिल्म मिली हमको करने के लिए, और गांधी में हमको काफी पैसे मिले उस जमाने के हिसाब से. उस पैसे को लेके हम बहुत सारे थिएटर वाले बॉम्बे आए, पर बॉम्बे एक अलग जगह थी, हमारा ना कोई ऐसा था जो हमको बताए क्या करना है, तो भरपूर मिस्टेक्स किए एक के बाद एक. इट वाज टफ, पर उसमें भी हमने जो एजुकेशन की थी वो बहुत काम आई. उसमें जो कॉम्प्रोमाइज कहाँ तक करना है वो बहुत काम आया. ओके. वो बड़ी, ये जो फिल्म में आपने एंट्री लिया, आपको लगा जब पहली बार आया, आपने एक ड्रीम आपको खुद को एस्टैब्लिश भी किया, आप अपने आपको सक्सेस आर्टिस्ट भी मानने लगे, लोगों ने भी आपको रिकॉग्नाइज, वो तो नहीं मानती अभी तक लोगों ने भी मानना चालू किया. उसके बाद कहीं ना कहीं जाके ज्यादातर देखने को मिलता है कि जब ड्रामा करते कोई भी आर्टिस्ट, बार बार ये भी बोलते रहते कि मैं चुन चुन के रोल करूंगी या करूंगा, देखूंगा, लेकिन जब सही में वास्तविकता ये आती है, जब उनको लगता है कि यस अभी जरूरत है यहाँ पैसे की, तब जाके वो अपने एथिक्स कहीं साइड में, ड्रामा के जो चाहक बोले जाते हैं, बोलते ड्रामा के बिना मैं जी नहीं सकता, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, वो लोग आज की तारीख में कॉमर्शियल फिल्म में अपनी करियर, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? हर एक इंसान की अपनी सिचुएशन होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके हिसाब से उसे करना पड़ता है. उसके बारे में कोई किसी हक नहीं है जजमेंट लेने का. मेरा एक दोस्त था जिसके साथ, दोस्त नहीं, एक कुलीग था, मैंने शाम की पिक्चर की थी उनके साथ, उसके फादर ने उसने एक फिल्म किया एज अ हीरो, प्रकाश झा की, उसके फादर ने उसे, मुझे अभी तक याद है, बहुत साल पहले की बात है, वापस बुला लिया क्योंकि उनको बिजनेस में हाथ बटाने के लिए कोई नहीं था. You have to go back. What can you say? आपकी परिस्थिति ऐसी होती है, कई बार आपको करना पड़ता है.
मैं किसी मैं इस बारे में कभी किसी के, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने भी घटिया काम किया है, ऐसा काम मुझे शर्म आती थी। एक पिक्चर तो मैंने ऐसी की थी, भगवान से प्रार्थना करती रिलीज ना हो, नो सो हर एक की ऐसी स्थिति। एक और लड़का था दिल्ली का, वो आया था, उसको मैंने हेल्प भी की, अचानक उसके फादर की डेथ हो गई तो जाना पड़ा, बिजनेस संभालना पड़ा। फिर क्या कहोगे आप, किसी की शादी हो जाती है, किसी का बच्चा हो जाता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, वो क्या करेगा। हम कह सकते हैं कि गलत किया, लेकिन हम तो नहीं मदद करने गए उसको। सो हर एक की परिस्थिति होती है। आपने दूसरा पहलू बताया कि लोग ये फील्ड छोड़ के चले जाते अपनी सोशल सर्कमस्टेंसेस या इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस की वजह से, लेकिन मेरा जो सवाल है बेसिकली ये है कि उसका भी जवाब इसमें ही है कि मैंने ये भी कहा ना कमर्शियल क्यों बन गए, क्योंकि नहीं मिला। जब मैं आई थी तो टीवी तो था नहीं, तो क्या करें आप, एक फिल्म में इतना सा रोल मिलता था 2 साल में। चलो मैं तो अकेली थी, जिनके बाल बच्चे हैं, जिनको अपने माँ बाप को भी पैसा भेजना, जिनकी ऐसी स्थिति है, वो क्या करेगा, कमर्शियल करेगा। नीना गुप्ता और कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं बार बार थोड़े थोड़े समय पे आती रहती है। जैसे कि आपने बताया कि एक रोल ऐसा किया, हवा बहुत हो गया था, कोई लाइफ के ऐसे डिसीजन थे उसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई थी। तो क्या जो भी कंट्रोवर्सीज अभी तक खड़ी हुई है, नीना गुप्ता को कभी भी रंज हुआ है जो भी कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई है, या तो नीना गुप्ता को लाइफ में जो भी अभी तक ऐसे प्राइम डिसीजंस लिए हैं उसमें कभी भी बाद में ऐसा फील हुआ है कि यस ये मेरे से गलत हो गया? बहुत बहुत मुझे अब लगता है कि बहुत गलतियां मेरी बड़ी की हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। जैसे अगर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं शादी के बिना बच्चा पैदा कर सकती हूँ और मैं बिना शादी के रह सकती हूँ और इंडिपेंडेंट वूमन कहला सकती हूँ, उससे मुझे वैसे नुकसान हुआ क्योंकि मेहनत डबल करनी पड़ी, एक आदमी और औरत दोनों का काम करना पड़ा। दूसरा मुझे रोल मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जैसे अभी कोई भी मुझे मिलता है, अरे स्ट्रांग वूमन स्ट्रांग वूमन, मीडिया ने मेरे को स्ट्रांग वूमन बना दिया। मैं स्ट्रांग वूमन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रांग वूमन नहीं हूँ उस हिसाब से। और हमारे यहाँ जैसे आपकी पर्सनैलिटी होती है, जिस प्रकार आप देखे जाते हैं वैसे ही रोल मिलते हैं। एक्टर नाम की कोई चीज मानता ही नहीं है, मतलब जैसी एक इमेज बनी होती है उसी टाइप के रोल मिलते हैं। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको ऐसे रोल मिलेंगे कल को कि जैसे आप ये काम कर रहे हैं, है ना। तो मेरी इमेज बना दी मीडिया ने स्ट्रांग, क्योंकि मैंने एक दो डिसीजन ऐसे लिए। उसके बाद मुझे काम आज तक अभी मेरे को कल किसी ने ऑफर किया, हर रोज मुझे स्ट्रांग वुमन के रोल में थक गई। मैं कहती हूँ मुझे कोई दूसरा रोल दो, मैं एक्ट्रेस हूँ, अच्छी एक्ट्रेस हूँ। नहीं, आपकी तो बड़ी स्ट्रांग वुमन की इमेज है, दैट इज। एंड व्हेन आई टेल माय हस्बैंड एंड आई टेल हिम, ही सेज, ही लाफ्स, ही सेज ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ऐसे ही होता है, एंड दिस इमेज इज नॉट मी, आई एम नॉट लाइक दैट, दिस इमेज द मीडिया हैज मेड एंड आई हैव टू सफर इन माय करियर बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई कांट डू एनी अदर रोल। एंड स्ट्रांग वुमन इन आवर सोसाइटी क्या रोल मिलेगा, वैम्प। स्ट्रांग वुमन इज वैम्प, स्ट्रांग वुमन आई कैन नेवर डू अ बेचारा रोल और हाउसवाइफ, नॉर्मल हाउसवाइफ, व्हिच आई हैव डन। आई थॉट इन सांस आई डिड अ प्लेन हाउसवाइफ रोल, बट देन अगेन आई डिड कमजोर कड़ी कौन, और वो धुल गया। सो स्ट्रांग वुमन की इमेज, कहीं लगता है कि स्ट्रांग वुमन की इमेज कहीं ना कहीं नीना गुप्ता को अंदर से कमजोर करती है, उसकी कर चुकी है। आई मीन इट इज वेरी बैड फॉर मी, इनफैक्ट मैं कई बार रात को उठ जाती हूँ, मैं सोचती हूँ हाउ डू आई फाइट इट। सम पीपल टेल मी डोंट फाइट इट, बट आई एम स्टिल फाइटिंग इट। और वो फाइट करने में मैं काम नहीं करती, क्योंकि आई फील वेरी हॉरिबल डूइंग द सेम हॉरिबल रोल्स ऑल द टाइम। सो विदाउट मैरिज आपने सोचा था कि मैं माँ बनूंगी शादी किए बिना? सोचा नहीं था, कुछ चीजें हो जाती हैं जिंदगी में, आप प्लान नहीं करते हैं जिंदगी में। मेरे फादर कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आपने जो जिंदगी में अपने प्लान किया वो नहीं होता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्लान करते हैं वो हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, उस वक्त आप ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। आपकी कच्ची उम्र होती है, आपके ड्रीम्स अलग होते हैं, आपका कुछ इमोशन होता है, आप दिल से ज्यादा काम करते हैं। What Neena Gupta did was, whatever I did, I stood by it. Okay. I did not go to the whole world and cried, मेरे साथ ये हो गया,
मेरे को ये करो, अब मैं क्या करूंगी, जो तकलीफ मुझे हुई मैंने खुद सही फेस किया उसको स्ट्रांगली और आगे बढ़ी। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं आया तो अल्कोहलिक होती या पागल होती या नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता या किसी गलत संगत में पड़ जाती। वो उस वक्त जो आपके संस्कार हैं, जो मेरे माँ बाप ने दिए हैं, जो मेरी पढ़ाई है, वो बहुत काम आती है। क्योंकि आपको ये लगता है ठीक है ना, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भूखी नहीं मरूंगी, क्योंकि मैं तो पढ़ा भी सकती हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो भगवान ने मुझे दिया मैंने उसे स्वीकारा, और चाहे उसमें मुझे तकलीफ हुई या मुझे नहीं पसंद, मैं आगे बढ़ी थैंक यू करके। क्योंकि इंसान के पास और कोई चारा नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नीना जी, आपने बताया कि कहीं ना कहीं आपको लगता है वो जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से आपने सफर भी किया, बहुत सारा जो ग्रोथ हो सकता था कहीं बीच में हर्डल्स इस डिसीजन की वजह से आए, ये तो सफर किया नीना गुप्ता ने। क्या आपको लगता है मसाबा से भी जब डिस्कशन होता है कभी ये भी ओपनली, क्योंकि आप बहुत ही खुल के डिस्कस करते होंगे उनके साथ, क्या कभी उन्होंने भी जिक्र किया था, क्या उनकी भी लाइफ के ग्रोथ में ये डिसीजन हर्डल बना था? हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रही है उसके जीवन में, लेकिन मैं उसे ये कहती हूँ कि आप अपने आसपास देखो, अपने उम्र के बच्चों को देखो, उनके पास क्या और आपके पास क्या है। तो अगर आप तोलो तो आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास मैं हूँ, मेरे फादर हैं, आपके पास अच्छा घर है, आपको मैं प्रमोट करती हूँ, आप मेरे साथ जाते हैं तो आपकी फ़ोटो खींचती है, आपको अच्छे संस्कार हैं, आपको एजुकेशन है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बहुत कुछ है। और आप देखिए दूसरी जगह क्या होता है, आप देख के तुलना कीजिए, तो ऐसा कुछ हर एक को सब कुछ नहीं मिलता। यू कैन सी ना, हर एक को सब कुछ नहीं मिलता है, हर एक को सब कुछ नहीं मिलता है। किसी की तो माँ ऐसी, मैंने कहा उसको देखा है, वो तो अगर तेरी ऐसी माँ होती तो वो तो एम्बेरस हो जाती। तू वी हैव द सेम टेस्ट, शी इज टेस्टफुल, शी सिंग्स वेल, शी डांसेस वेल, सो मच शी हैज गॉट। तो अगर एक चीज नहीं है तो कोई बात नहीं। नीना जी, आपने जो डिसीजन लिया, अगर मुझे मतलब यहाँ जब आप है, मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगा, खास करके न्यू जनरेशन को, कि इस तरह के डिसीजन, क्योंकि जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं लीगल फॉर्मेट में लाने की कोशिश गवर्नमेंट भी कर रही है, लीगल डिपार्टमेंट उसके ऊपर कुछ संशोधन भी कर रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? क्योंकि आपने खुद ने ये डिसीजन बरसों पहले लिया था जब ये कंसेप्ट किसी के ख्याल में भी नहीं था, क्या कहना चाहेंगे यंग जनरेशन को, खास करके लिव इन रिलेशनशिप, और अगर शादी किए बिना अगर कोई लड़की चाहती है बच्चा करने को, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी गलती कभी ना करें। जो लड़कियां ये सोचती हैं, जवानी में हम भी सोचते थे कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, सो व्हाट, वी आर कमिटेड, सब रबिश है। लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल रबिश है। हमारे अगर समाज में रहना है, समाज के नियम से चलो, और नियम से चलते हुए अपनी पहचान बनाओ। नियम से नहीं चलोगे तो कदम कदम पर मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, और आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाते हैं। आप सही वक्त पर शादी कीजिए, सही वक्त पर बच्चा कीजिए, उसके बाद आपको जैसा घर बार मिला उस हिसाब से जो करना चाहते हैं करिए, वरना आई एम सॉरी टू से यू आर अ मैन इन फ्रंट ऑफ मी, मैन टेक एडवांटेज। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच नीना जी। दर्शक मित्रों, समय खूब जो ओछो, नीना जी साथ बात करिए तो તેમના અનુભવના આધારે ઘણી બધી વાતો થઈ શકે, એક ક્રાંતિકારી વિચાર પણ ધરાવે છે, અને ક્રાંતિકારી વિચારના કારણે નીનાજીએ પોતે જે પોતાના અનુભવ છે તેના આધારે એટલા ઓપન માઇન્ડેડ છે કે પોતાના વિચાર પણ તેઓ બદલી શક્યા છે। ફરીવાર મળીશું નેક્સ્ટ કાર્યક્રમમાં એક નવા અતિથિ સાથે, ત્યાં સુધી આપ સૌ નમસ્કાર, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક્સ, થેન્ક યુ। Thank you.